दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में विदेशी नागरिक की सड़ी गली हालत में लाश मिली है। दरअसल पेट्रोलिंग के समय दिल्ली पुलिस के जवान ने लाश पड़ी देखी थी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इसी के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में फ्लाईओवर के नीचे लाश पड़ी होने की जानकारी मिली थी। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस ने देखा तो पता चला कि लाश किसी विदेशी नागरिक की है और सड़ी गली हालत में है। डीसीपी के मुताबिक दिल्ली पुलिस का जवान पेट्रोलिंग कर रहा था, उसी दौरान उसने लाश देखी। लाश के पास से एक पहचान पत्र भी मिला है जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक मॉरिशस का रहने वाला था। उसकी उम्र 50-60 के आसपास की लग रही है। फिलहाल पुलिस टीम इस बात की जांच कर रही है कि उसकी मौत कैसे हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीते दिनों 3 रूसी नागरिकों की लाश मिली थी। ये तीनों लाशें ओडिशा से मिली थी। पहली 2 लाशें एक होटल में थी जबकि तीसरी लाश पानी के जहाज से बरामद हुई थी। फिर ओडिशा में रायगढ़ के एक होटल में चेक इन किया। इसी के एक दिन बाद पहली लाश होटल के कमरे में मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली समाचार।